ओ भाई ट्रैक्टर की पावर देखो कितनी ज्यादा है। ओ माय गॉड यहाँ तक ये पहुंच चुकी है। ओ भाई यार इसको मैं आग के अंदर से चला चुका हूँ। ओ माय गॉड। हेलो गाइस मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में भाई कमाल करने वाले हम लोग। आज मैंने एक अलग तरीके का ट्रैक बनाया है। जिस तरफ भी आज आप देखोगे ना सिर्फ आपको ब्रिज ही ब्रिज नजर आ जाएंगे। इतना खतरनाक वाला ट्रैक मैंने रेडी कर दिया है। ट्रैक के ऊपर चलाने के लिए बहुत सारी आरसी कार्स भी ब्रांड न्यू वाली खरीदी है। सबसे पहले कार दिखा देता हूँ। ये हमारी मिनी साइज की जीप रैंगलर रेड एंड ब्लैक कलर में है भाई। दिखने में काफी ज्यादा बवाल लग रही है। दूसरी जो कार है ये गाइस हमारी कोलोराडो मॉन्स्टर ऑफ रोड कार। आज इसको भी चलाएंगे ब्रिज वाले ट्रैक के ऊपर। देखते हैं ये चलती है या फिर नीचे गिरती है। और भी अलग अलग कैटेगरीज की बहुत सारी कार्स मैंने ले ली है। जैसे कि ये एक पिकअप ट्रक है, आज इसको भी ट्रैक के ऊपर चलाएंगे। मिनी डिफेंडर भी है मेरे पास, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये एक डाईकास्ट मॉडल है, कम्प्लीटली मेटल की बनी है और ये 4x4 भी है। सबसे अलग चीज भी मैंने आज ले ली है, जैसे कि देख सकती हूँ भाई ये है 4 टायरों वाला ट्रैक्टर। इसके अंदर सामने 4 टायर है, पीछे 4 टायर है। देखते हैं आज के ट्रैक के ऊपर ये ट्रैक्टर कितना ज्यादा कमा कर पाएगा। इसको अनबॉक्स करने से पहले ट्रैक दिखाता हूं, उसके बाद इन दोनों को अनबॉक्स करते हैं गाइस। आज का जो ट्रैक वाला ब्रिज है ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है आरसी कार्स के लिए। शुरुआत होती है यहां से। ये एक रैंप मैंने लगा दिया है, इसके ऊपर इसको चढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके आप देखो गाइस सबसे मुश्किल वाला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। ये एक टेप वाला ब्रिज है। ब्रिज काफी बड़ा है, 20 फीट से भी ज्यादा बड़ा मैंने ब्रिज यहाँ पे बना दिया है। ये ब्रिज बहुत ज्यादा झूलता है। जैसे जैसे यहाँ पे हवा आएगी ये इस तरीके से झूलने लगेगा। ये देखो इस तरीके से झूल रहा है। एक तो इसकी लंबाई ज्यादा है और कार का बैलेंस जरा भी खराब होने पे कार नीचे क्रैश हो सकती है। फिर यहाँ से दूसरा वाला ब्रिज स्टार्ट होता है। ये ब्रिज कम्प्लीटली लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे मैंने वाटर वाले बलून्स रख दिए हैं। ये बलून्स के अंदर मैंने बहुत सारा पानी भर रखा है। जैसे ही कार इसको पंचर करेगी ना एकदम प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलेगा और हमारी कार ब्रिज से नीचे भी गिर सकती है। तो ये लकड़ी वाला ब्रिज यहाँ पर आकर खत्म होता है। फिर यहाँ पे एक मिनी ब्रिज मैंने बनाया है ये रैक के बीच में। उसके बाद देखो गाइस फिर एक ब्रिज मैंने यहाँ पे बना दिया, ये भी टेप वाला ब्रिज है। ये ब्रिज नॉर्मल ब्रिज नहीं है गाइस, यहाँ से कार को नीचे फिसल के आना पड़ेगा। देखो अगर कार के टायर्स के ऊपर ग्रिप सही नहीं होगी ना तो कार एकदम से फिसल के नीचे गिर सकती है। यहाँ पे हम लोग आग लगाने वाले। वाओ आग लग चुकी है। आग कितनी ज्यादा बड़ी है आप देख सकते हो यार। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट है फिर भी आग देखो इतनी ज्यादा खतरनाक यहाँ पे दिखाई दे रही है। आग में से निकलने के बाद कार आएगी यहाँ पे। ये भाई बहुत ही डिफरेंट सी चीज है। इस तरीके की चढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे बीच बीच में देखो इस तरीके के बड़े बड़े क्रैक्स भी है। तो हमारी जो कार है या फिर ट्रैक्टर है या फिर जो पिकअप ट्रक है उसको फाइनल यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रैक खत्म होता है। जो भी यहाँ तक पहुंचेगा वो होगा आज का विनर। भाई ट्रैक तो एकदम गजब का बना है। तो इसको एक बार ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हो। इसको मैंने 5,000 रुपीज में खरीदा है। ये रही हमारी रेड एंड ब्लैक कलर वाली जीप रैंगलर। इसके जो रिम है वो कम्प्लीटली मेटल के बने हुए हैं। की बिल्ड क्वालिटी देखने के बाद ये WL टॉयज ब्रांड के जैसी मेरे को लग रही है। ठीक है दोस्तों अब इसको निकालते हैं। ये देख लो भाई बिल्कुल जैसे कार का डिजाइन है वैसा ही ये रिमोट को भी बनाया गया है। एकदम रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में हमारा रिमोट है। ये पन्नी मैंने हटा दिया है। यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रिप दी गई है इसको इस तरीके से पकड़ने के लिए। ये इसका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग भी एक हाथ से कंट्रोल करने के लिए देखो यहाँ पे इस तरीके का एक एक्सटेंशन भी दिया गया है। साथ में एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मोबाइल लगाने के लिए मोबाइल होल्डर भी ये रिमोट के साथ देखने को मिल जाता है। बहुत ही कमाल की क्वालिटी का रिमोट है। रियल कार जैसी ही लग रही है। टायर्स देखो, सस्पेंशन देखो भाई कितने ज्यादा गजब के हैं। सामने LED बार दिया गया है, हेडलाइट काम करती है, इंडिकेटर इसकी काम करती है। यहाँ पे एक बम्पर भी दिया गया है। साइड से भी अगर आप इसको देखोगे ना भाई एकदम कमाल की दिखाई देगी। तो अब मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ कोलोराडो मॉन्स्टर ट्रक को। भाई ये जो चीज है ना एकदम नई आई है मार्केट में, तो फटाफट से तुम्हारे भाई ने इसको खरीद लिया। इसके अंदर इतने ढेर सारे कलर्स मिल जाते हैं। ये इस तरीके के रेड कलर में भी मिलती है। अलग अलग सेटिंग्स करके हम लोग इसको बहुत फास्ट भी चला सकते हैं और इसको ऑफ रोड में भी चलाया जा सकता है। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं हमारी कोलोराडो मॉन्स्टर ट्रक को। ये आ चुकी है बाहर। पैकिंग इसकी काफी सही मेरे को लग रही है। यहाँ पे है बाहुबली मॉन्स्टर ट्रक।
ओह माय गॉड, बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है। साइड में आप देख सकते हो शेवरली की ब्रांडिंग भी दी गई है। ये कम्प्लीटली ऑफिशियल लाइसेंसड आरसी कार है, तो फिलहाल इसको मैं साइड में रखूंगा। देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें दी गई है। यहाँ पे एक और डिब्बा है, ये डिब्बे के अंदर शायद इसका रिमोट और बैटरी दी गई होगी, तो इसको भी एक बार निकाल लेते हैं गाइस यहाँ से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये इसका रिमोट है, दिखने में बिल्कुल मेरे पास जो थार है वैसा ही ये रिमोट मेरे को लग रहा है। तो इसके साथ रिचार्जेबल बैटरी भी मिलती है। एंटी कोल्यूशन बम्पर के अंदर ही एलईडी बार दिया गया। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर कौन सा हार्डवेयर लगा है ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये रही दोस्तों इसकी बैटरी, ओ भाई पूरी तरीके से सील पैक होके आती है बैटरी। यहाँ पे मोटर है, ब्रशलेस मोटर के साथ आती है ये कार। ये इसका फैन है मोटर को कूल रखने के लिए। तो भाई कार दिखने में बहुत ज्यादा गजब है। सभी कार्स को यहाँ पे मैंने रख दिया है, चलो एक एक करके सभी को चलाते हैं। ट्रैक के ऊपर चलाने से पहले एक कमाल की चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जीप के अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ऊपर की तरफ एक एलईडी लाइट है तो इसको हम लोग ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। फॉग लैंप्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। ओह माय गॉड, नाइट में अगर आप इसको चलाओगे ना भाई एकदम खतरनाक लगेगी। ठीक है, अब ट्रैक के ऊपर सबसे पहले शेवरलेट कोलोराडो आरसी मॉन्स्टर कार को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। देखते हैं, ये तो पहले ही गिर गई भाई। तो एक काम करते हैं, इसको मैं एक और चांस देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, थोड़ा सा भी इसको मैं धीरे धीरे चलाने वाला हूँ। यहाँ पे इसके टायर फिसलने लगे हैं क्योंकि ये जो ट्रैक मैंने बनाया है इसके ऊपर मैंने ऑयल पेंट कर दिया था। ये लो भाई फिर से ये गिर चुकी है। मेरे को नहीं लगता गाइस ये इससे आगे चल पाएगी। ओके, अब मैं चलाने वाला हूँ 8 टायरों वाली सुपर पावरफुल ट्रैक्टर को। देखते हैं गाइस ये कितने अच्छे तरीके से चल पाएगी। ओ भाई ट्रैक्टर की पावर देखो कितनी ज्यादा है। ओ माय गॉड, यहाँ तक ये पहुंच चुकी है। ओ भाई ब्रिज के ऊपर गिरते गिरते बच चुकी है यहाँ पे। अब देखते हैं ट्रैक्टर ब्रिज के ऊपर किस तरीके से। गाइस इसका वजन ज्यादा होने के कारण ये ब्रिज के ऊपर से पलट के पानी के अंदर गिर चुकी है। अब बारी है पिकअप ट्रक की, इसको चलाते हैं ट्रैक के ऊपर। ये लो भाई चलना स्टार्ट हो चुकी है, ग्रिप देखो काफी सही है इसकी। यहाँ पे जगह बहुत ही संकरी सी है, मेरे को लगता है ये यहाँ से आराम से निकल जाएगी। ऊपर तक ये पहुंच चुकी है, आप देखते हैं यहाँ से ये योतरी भाई ये भी पलट गई है ब्रिज के ऊपर से, क्योंकि इसकी भी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा खराब है। इसका तो देखो बोनट तक ओपन हो चुका है गिरने के बाद। यार ब्रिज इतना ज्यादा टफ होगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था भाई, इससे आगे कोई भी नहीं जा पा रहा है। अब चलाते हैं लैंड रोवर डिफेंडर को, देखते हैं गाइस ये कितनी दूर तक ट्रैक के ऊपर चल पाएगी। मेरे को लगता है गाइस ये आज जीतने वाली है। देखो इसकी स्मूथनेस कितनी बढ़िया है, यार मजा आ गया इसको भी चला के। देख रहे हो गाइस कितनी इजीली यहाँ तक ये पहुंच चुकी है, अब ये ब्रिज के ऊपर आ चुकी है। ओ माय गॉड, इसके वेट के कारण देखो ब्रिज एक तरफ हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा भी धीरे धीरे ही चलाने वाला हूँ। ओ भाई ऑलमोस्ट आधा ब्रिज इसने क्रॉस कर लिया है और आधा ब्रिज बचा हुआ है गाइस। ओ भाई साहब मजा आ गया यार इसको भी चला के, कितनी सही तरीके से चल रही है यार ये कार। अब आगे आगे इसको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखो ऑलमोस्ट एक तरफ ये टिल्ट हो चुकी है, हवा चलने के कारण ब्रिज थोड़ा सा झूल रहा है। थोड़ा सा इसको स्टेबल होने देते हैं फिर इसको चलाएंगे। अब ये वापस से चलने लगी है भाई, मजा आ गया यार इसकी बैलेंसिंग देखकर। अभी इसको अपने लकड़ी वाले ब्रिज के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। एक तो इसके टायर्स थोड़े से छोटे हैं और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी मेरे को कम लग रही है। बाकी देखते हैं यहाँ पे अब ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। मेरे को लगता है ये ब्रिज डिफेंडर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पूरी की पूरी कार हिल रही है यार, सामने बलून आ चुके हैं, बलून को इसने फोड़ के रख दिया है, यहाँ तक ये चढ़ाई कर चुकी है। अरे नहीं, इसकी थोड़ी सी कंट्रोलिंग खराब होने के कारण ये अचानक से यहाँ पे जंप लगा चुकी है, ये यहाँ पे पलट चुकी है। मेरे को लगा था कि ये आराम से ट्रैक को पार कर जाएगी, पर इसके अंदर जैसे ही पानी गया है ना बलून्स का, पता नहीं यार इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है और अब ये आगे नहीं चल पाएगी। अब यहाँ पे फाइनल बची है हमारी जीप व्रैंगलर, देखते हैं गाइस ये कितनी दूर तक चलती है। चढ़ाई तो काफी आसानी से ये कर रही है, ये देखो यार इतने बड़े रॉड के ऊपर से भी ये चढ़ाई कर चुकी है। ब्रिज के ऊपर चला रहा हूँ, इसकी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा तगड़ी दी गई है यार। देखो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ये ब्रिज के ऊपर चलने में, यहाँ तक ये पहुंच चुकी है। ओ तेरी भाई ये एक तरफ टिल्ट हो चुकी है, तो अभी इसको मैं धीरे धीरे से यहाँ ऊपर से चढ़ाने वाला हूँ। देखते हैं गाइस ये किस तरीके से चढ़ती है। ओहो गाइस यहाँ तक तो ये पहुंच चुकी है इजिली,
अब इसके सामने आ चुका है ये लकड़ी वाला ब्रिज। ठीक है गाइस, लकड़ी वाले ब्रिज के ऊपर चलाते हैं। इसका सस्पेंशन यहाँ पे बहुत मजबूत तरीके से काम कर रहा है। ये यहाँ पे ये फंसते रह गई है। अब बलून्स को पंचर करते हैं। ओ माय गॉड गाइस, ये गिरते बच चुकी है। यहाँ पे सही टाइम पे मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया था। अब ये छोटे से रैंप के ऊपर से भी ये चढ़ाई कर चुकी है। अब इसके सामने आने वाला है एक बहुत ही तगड़ा वाला ब्रिज। यहाँ तक कोई भी कार नहीं पहुंच पाई है। ये सिंगल कार है गाइस यहाँ तक पहुंचने वाली। ओहो, ब्रिज तो यार झूल रहा है, मजा आ रहा है यार आज तो काफी ज्यादा। ब्रिज देखो एक तरफ टिल्ट हो चुका है। ये इतनी अच्छी तरीके से चलेगी मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ओ माय गॉड, यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब इसको आग का सामना करना पड़ेगा। बूमबास्टिक सी आग यहाँ पे लग चुकी है यार। इसको मैं आग के अंदर से चला चुका हूँ। ओ माय गॉड, ये कार आग में से भी निकल के बच चुकी है। ओए, यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा फंसने लगी है। ये देखो गाइस, इसको ग्रिप नहीं मिल रही है क्योंकि अभी ये आग में से निकल के आई है। तो मेरे को थोड़ा सा इसको भी पीछे लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ से चढ़ाते हैं इसको भी ऊपर। इस तरफ से भी इसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने इसको रिवर्स लेके गियर चेंज करने के बाद जैसे ही ऊपर चढ़ाना चालू किया तो ये चढ़ चुकी है। ओ माय गॉड, मेरे को लगा था कि गाइस यहां से ये पलट के नीचे गिर जाएगी, पर फाइनली जीप रैंगलर ने आज कर दिखाया है। तीन तीन ब्रिजेस को पार करके यहाँ तक पहुंच चुकी है। इसका तो मैं फैन बन चुका हूँ गाइस, मजा आ गया यार आज इसको चला के। तो अब यहाँ पे पावर टेस्ट में करने वाला हूँ डिफेंडर वर्सेस ट्रैक्टर के बीच में। देखते हैं गाइस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। एक दो तीन, वाओ, दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेल रहे हैं गाइस। यहाँ पे ट्रैक्टर थोड़ी सी पावरफुल मेरे को लग रही है। ओ माय गॉड, ट्रैक्टर ने इसको ऊपर उठा लिया है। ओ भाई साहब, दोनों ही नीचे क्रैश हो चुके हैं। तो गाइस क्लियरली यहां पे ट्रैक्टर है विनर क्योंकि ट्रैक्टर नीचे गिरने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत चल रही है। वहीं इसकी बैटरी पूरी तरीके से निकल चुकी है बाहर। अब फाइट होगी ट्रैक्टर वर्सेस पिकअप ट्रक के बीच में। देखते हैं कौन किसको ब्रिज के ऊपर से नीचे गिराता है। टक्कर होते ही दोनों में से किसी एक का गियर स्लिप हो चुका है, वैसी आवाज मेरे को आ रही है। अब पता चल रहा है कि ये पिकअप ट्रक का गियर स्लिप होने के कारण इसको बिल्कुल भी यहाँ पे पावर नहीं मिल पा रही है। ट्रैक्टर ने इसको ऑलमोस्ट नीचे पटक ही दिया था। इतने में आकर ये बच चुकी है। तो हमारी जो ट्रैक्टर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देखते हैं ये ट्रैक्टर क्या कोलोराडो मॉन्स्टर कार के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। ये क्या सीन था यार, मॉन्स्टर कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उठा के फेंक दिया है नीचे। अब फाइनल फाइट होगी जीप रैंगलर वर्सेस कोलोराडो मॉन्स्टर ट्रक के बीच में। देखते हैं गाइस कौन किसको नीचे गिराता है। ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे बाप रे, यहाँ पे मॉन्स्टर कार ने जीप को नीचे गिरा दिया है। पर जीप के अंदर देखो कहां से पावर आ चुकी है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, जीप ने यहाँ पे गेम चेंज करके रख दिया है पूरी तरीके से। नहीं, जीप रैंगलर बिल्कुल सही सलामत यहाँ पे खड़ी है। मॉन्स्टर ट्रक की हालत देखो गाइस, ये कम्प्लीटली यहाँ पे पलट चुकी है। जैसे ही मैंने इसके अंदर गियर चेंज किया ना, इसकी पावर अचानक से बढ़ चुकी थी और इसने भाई इसको नीचे पटक के रख दिया है। तो यहाँ पे क्लियरली विनर है आज की जीप रैंगलर। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आज की वीडियो में आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट कार कौन सी है। चलो भी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है पवन, सिद्दीक, नीलेश, जयवीर, तेजस, मयंक, हसन, असद, फुरखान, सुमित। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।